चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा में अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। 5 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र होगा। पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर पारित हुए प्रस्ताव को लेकर सत्र में निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। मुख्यमंत्री आवास पर हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में भी निर्णय लिया गया है। तो हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और पंजाब में जिस तरह से चंडीगढ़ को लेकर पंजाब विधानसभा में रेजोल्यूशन पास किया गया उसकी निंदा के लिए निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, कितना महत्वपूर्ण है सत्र को यूं अचानक बुलाया जाना, विशेष सत्र का लाया जाना ताकि निंदा प्रस्ताव लाया जाए? आज की बिल्कुल कंफर्म खबर है और हरियाणा पंजाब की राजनीति के लिहाज से सबसे बड़ी खबर है और सबसे पहले खबरें अभी तक इस खबर को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि जो फैसला पंजाब विधानसभा में लिया गया था चंडीगढ़ को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसके खिलाफ हरियाणा विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, ये तय हो चुका है। सुबह सुबह मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक होती है, मंत्रिमंडल की बैठक होती है। उस मंत्रिमंडल की बैठक में ये तय किया जाता है कि 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। जो विशेष सत्र है सुबह 11 बजे शुरू होगा और इस सत्र में कहें खास तौर से जो फैसला पंजाब विधानसभा की तरफ से लिया गया था, जो प्रस्ताव पारित किया गया था चंडीगढ़ को लेकर, उसको लेकर निंदा प्रस्ताव वहां पर रखा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव रखा गया था, पारित किया गया था कि चंडीगढ़ पंजाब का है और चंडीगढ़ पर पंजाब का हक है, उसके बाद से हरियाणा और पंजाब की सियासत गर्मा चुकी है और हरियाणा और पंजाब की ये आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि राजनीतिक लिहाज से सबसे बड़ी खबर है और सबसे पहले खबरें अभी तक हमारे दर्शकों को बता रहा है कि 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र होगा। सुबह 11 बजे विशेष सत्र होने जा रहा है और जो हरियाणा मंत्रिमंडल की सुबह सुबह मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई है, उस बैठक में विशेष सत्र की तारीख पर मुहर लग चुकी है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब की सियासत फिलहाल बिल्कुल गर्म हो चुकी है इस मुद्दे पर। बिल्कुल, तो एक बार फिर दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर ये है कि विशेष सत्र हरियाणा विधानसभा का बुलाया जा रहा है और क्योंकि पंजाब विधानसभा में पंजाब को लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया, इसी को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। अनिल, देखा जाता है कि विपक्ष अक्सर कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष से सहमत नहीं होता, लेकिन चंडीगढ़ के मुद्दे पर विपक्ष भी लामबंद होता नजर आ रहा है। अनिल, देखिए बिल्कुल ठीक बात है, भले ही अगर हरियाणा की बात करें, चाहे जितने भी सियासी दल हैं एक दूसरे का विरोध करते हो, लेकिन ये एक मुद्दा ऐसा है जिस पर सभी सियासी दलों की एक राय है। बीजेपी की बात करें, जेजेपी की बात करें, क्योंकि ये सरकार में है, वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, इनका भी साफ तौर पर यही कहना है, क्योंकि जो पंजाब विधानसभा में जिस तरीके से प्रस्ताव पारित किया गया था हरियाणा के लिहाज से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ पर आरती जितना हक पंजाब का है उतना ही हक हरियाणा का है, क्योंकि जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था उस दौरान जो भी समझौते हुए थे उसमें कहीं ना कहीं हरियाणा का हक बराबरी का था और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पंजाब में फैसला लिया गया है उसके बाद से जो हरियाणा के तमाम राजनीतिक दल है, कांग्रेस है, कांग्रेस की तरफ से विधायक दल की बैठक कल दिल्ली में बुलाई गई है, चंडीगढ़ में कुमारी शैलजा और प्रभारी एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, इनेलो की तरफ से भी प्रेस नोट और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई है, वहीं अगर बात करें मुख्यमंत्री भी अपने कड़े तेवर जता चुके हैं और कहीं ना कहीं भगवंत मान को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर यहां पर अपनाए हैं। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जो फैसला पंजाब की तरफ से दिया गया है वो सरासर गलत है, चंडीगढ़ कोई चीज नहीं है देने वाली, क्योंकि जितना हक पंजाब का बनता है उतना हक हरियाणा का बनता है चंडीगढ़ के ऊपर। तो ऐसे में हरियाणा के तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एक है, जो भी हरियाणा विधानसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा पंजाब विधानसभा के प्रस्ताव के खिलाफ, चाहे निंदा प्रस्ताव है चाहे दूसरा प्रस्ताव, उस पर हरियाणा के तमाम सियासी दल एक रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, ये सारे के सारे मांग कर चुके हैं कि चाहे सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, चाहे प्रधानमंत्री से मिला जाए, चाहे राष्ट्रपति से मिला जाए, सारे के सारे दल चंडीगढ़ के मुद्दे पर, SYL के मुद्दे पर, हरियाणा के हकों के मुद्दे पर एकजुट खड़े हैं। बिल्कुल, और ये खबर भी निकलकर सामने आई थी कि हो सकता है कि हरियाणा के जो नेता हैं वो मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी से इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब पंजाब विधानसभा में इस तरह का रेजोल्यूशन लाया गया हो। देखिए
बिल्कुल, क्योंकि पहले तो विशेष सत्र होगा, 5 तारीख को सुबह 11 बजे सत्र बुलाया गया। उस सत्र में कहीं ना कहीं जो पंजाब विधानसभा का फैसला था उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव रखा जाएगा, और कहीं ना कहीं क्योंकि जो पंजाब की तरफ से कदम उठाया गया उसके खिलाफ हरियाणा के तमाम दल एक साथ खड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और बात करें कांग्रेस की, बात करें इनेलो की, बात करिए, लगातार मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए, सर्वदलीय बैठक में ये फैसला किया जाए कि जो हरियाणा के मुद्दे हैं, चंडीगढ़ का मुद्दा है, एसवाईएल का मुद्दा है, हिंदी भाषी क्षेत्र का मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चाहे प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति उनसे मुलाकात की जाए। अब देखना ही होगा कि विधानसभा सत्र के बाद किस तरीके से सहमति बनती है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात की जाए या राष्ट्रपति से मुलाकात की जी, तो देखना होगा कि विशेष सत्र बुलाने के बाद क्या कुछ किया जाता है। आप हमारे साथ बने रहिए अनिल, एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि विशेष सत्र बुलाया गया है हरियाणा विधानसभा का, और इस विशेष सत्र में लाया जाएगा पंजाब सरकार को लेकर एक निंदा प्रस्ताव, क्योंकि पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ पर दावेदारी को लेकर एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, और अब 5 अप्रैल को इसी को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया है। और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि हरियाणा के तमाम जो राजनीतिक दल है इस मुद्दे पर एक साथ नजर आ रखे, निंदा प्रस्ताव अब विधानसभा में लाया जाएगा, और लगातार अब चाहे वो भगवंत मान हो चाहे अरविंद केजरीवाल को, वो भी नेताओं के निशाने पर आते नजर आ रहे हैं। हरियाणा सरकार की पंजाब सरकार को जवाब देने की ये तैयारी नजर आ रही है। 5 अप्रैल को बुलाया गया है हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र, खास सत्र होगा, और पंजाब सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव इस विशेष सत्र में लाया जा सकता है। और इसी खबर पर इस वक्त हमारे साथ खबरें अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरह से पंजाब सरकार चंडीगढ़ को लेकर रेजोल्यूशन लेकर आई उसका लगातार हमने विरोध होते देखा, और अब तो विशेष सत्र इसके लिए बाकायदा आ रहा है जिसमें पंजाब सरकार को लेकर कहीं ना कहीं निंदा प्रस्ताव अब चर्चाओं में है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस प्रकार से चंडीगढ़ का ये पूरा मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर के ये कह सकते हैं चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके सभी के बयान जो है वो हरियाणा के हक को ध्यान में रखते हुए, एसवाईएल को ध्यान में रखते हुए, चंडीगढ़ पर अपने अधिकार को ध्यान में रखते हुए बयान सामने आ रहे हैं। इसको लेकर के जहां विशेष सत्र की मांग की गई थी, सबसे पहले अभय चौटाला की तरफ से ये मांग की गई थी, और इस विशेष सत्र को लेकर के अगर हम बात करें, कल जिस तरीके से भाजपा की मैराथन बैठकें रही हैं, उन बैठकों में भी तमाम चाहे हरियाणा से आने वाले भाजपा सांसदों की बात की जाए, हरियाणा कैबिनेट मंत्रियों की बात की जाए, मुख्यमंत्री की बात की जाए, संगठन के तमाम वरिष्ठ लोगों की बात की जाए, सभी की तरफ से इस विषय को लेकर के चर्चा की गई थी, और इस पर निंदा भी कहीं ना कहीं कल की बैठकों के अंदर देखने के लिए मिली थी। जिसके बाद अगर हम बात करें, कल ही खबरें अभी तक की तरफ से जो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता है उनसे भी बात की गई थी, और उनका यह कहना था कि इस प्रकार के प्रस्ताव लाने से अगर चंडीगढ़ पर अधिकार मिलता हो तो ऐसे 10 प्रस्ताव जो है वो हरियाणा विधानसभा में भी ला सकते हैं, सरकार ला सकती है। तो ऐसी स्थिति में हरियाणा और पंजाब जो है, जिस तरीके से पंजाब की तरफ से ये प्रस्ताव लाया गया, इस मसले पर कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर एक बार फिर से आमने सामने हो चुके हैं, और चंडीगढ़ पर अपने अधिकार को लेकर के आमने सामने हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें 5 तारीख को एक और जहां हरियाणा विधानसभा का ये सत्र बुलाया जाएगा जिसमें निंदा प्रस्ताव लाने का प्रयास जो है वो पंजाब के प्रस्ताव के खिलाफ की जाएगी, निंदा प्रस्ताव यहाँ पर लाया जाएगा हरियाणा के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार का कदम ये उठाया गया है, इस कदम से एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरने का काम पंजाब सरकार की तरफ से किया गया है। इससे ठोस तौर पर अगर देखा जाए तो चंडीगढ़ पर कोई अधिकार जो है इस प्रस्ताव के जरिए पंजाब सरकार को नहीं मिलने वाला है, तो सीधे तौर पर एक न्यूसेंस यहां पर क्रिएट की गई थी, और उसी की निंदा करने को लेकर के 5 तारीख को 11 बजे जो है ये सत्र बुलाया गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 तारीख को ही शाम 5 बजे जो है हरियाणा कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है, तो सीधे तौर से जिस प्रकार का कदम जो है पंजाब सरकार ने उठाया है उसको लेकर के पूरे तरीके से हरियाणा सरकार जो है अब ये कह सकते हैं एक्शन मोड में नजर आ रही है। विपक्ष के नेताओं की बात करें, हरियाणा से आने वाले सांसदों की बात करें, सीधे तौर पर इस मसले पर आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं, और हरियाणा जो है अब जिस प्रकार का ये प्रस्ताव लाया गया है, इस प्रस्ताव का जवाब देने को लेकर के चाहे वो विधानसभा के जरिए जवाब देना हो या फिर सियासत के जरिए या फिर जो है मंथन बैठ के और केंद्र से मिल करके इस मसले पर हल कराने को लेकर के, और साथ ही साथ अब हरियाणा की तरफ से इस आवाज को भी बुलंदी से उठाया जा रहा है कि न सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि एसवाईएल को लेकर के भी अब पंजाब की आम आदमी पार्टी को फैसला करना चाहिए, क्योंकि एसवाईएल पर हरियाणा का हक है, सुप्रीम कोर्ट ने हक में फैसला दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में हरियाणा को उसके हक
पानी मिलना चाहिए और दिल्ली में भी उठता नजर आ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम दर्शकों को वो बयान भी दिखाएंगे जो पंजाब सरकार के प्रस्ताव के बाद सामने आए थे, हरियाणा के नेताओं की जो प्रतिक्रिया है वो सुनवाते हैं। चंडीगढ़ का मुद्दा है पर वो एकला मुद्दा नहीं है, उसके साथ बहुत सारे मुद्दे और जुड़े हुए हैं। SYL का पानी जुड़ा हुआ है, हिंदी भाषी क्षेत्र जुड़े हुए हैं, उनके बारे में वो कुछ बोले नहीं है। तो ये जब भी कभी फैसला होगा तो एकल फैसला होगा, अलग अलग फैसले नहीं हो सकते। जो पंजाब सरकार आई है, क्योंकि ये शैशव काल में है, अभी इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। पंजाब सरकार ने ये जो किया है ये निंदनीय है। कभी भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, खास करके नेशनल जो फेडरलिज्म का एक प्रक्रिया होती है, उसमें ये बातें बैठ करके आपस में जो निर्णय किए हुए होते हैं उसी को स्टिक रहना होता है। वन साइडेड ऐसा जो इन्होंने किया है ये निंदा योग्य है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कृषि एरिया जो हरियाणा को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जिसके कारण से ये सारे मुद्दे लटके। इनको कहना चाहिए कि हम हिंदी भाषी एरियाज जो हैं हरियाणा को देने के लिए तैयार हैं, कुछ बातें कहें तो हम आगे बढ़ें। ये एक और निंदा योग्य विषय है और मैं तो इसके लिए यहाँ तक कहूँगा, पार्टी के नाते तो अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि वो पार्टी के मुखिया हैं, उनको इसकी निंदा करनी चाहिए, नहीं तो हरियाणा के लोगों से उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। रही बात चंडीगढ़ को लेकर के कोई प्रस्ताव पारित करना, ये सीधे सीधे अपने किए हुए चुनावी वायदों से जो मुकर रहे हैं उससे जनता का ध्यान हटाने की कोशिश है। उनको मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब की जिस प्रकार की वित्तीय स्थिति है वह कंगाली में आटा गीला करने वाला काम ये अपने चुनावी वायदों का वो करने वाले हैं। वो पंजाब को ही संभाल लें, चंडीगढ़ की क्या वो उम्मीद करेंगे। देखिए ये संगठनात्मक बैठक है और संगठनात्मक विषय कभी टीवी के ऊपर डिस्कस नहीं किए जाते। इसमें डिस्कस होगा ये विषय आज मीटिंग में? नहीं, देखिए हो सकता है कि विषय आए लेकिन क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि रेजोल्यूशन पास करने से चंडीगढ़ पंजाब का नहीं हो जाता। अगर ऐसे रेजोल्यूशन पास करने से चंडीगढ़ पंजाब का हो जाता है तो हम 10 रेजोल्यूशन पास कर देंगे और फिर क्या वो हरियाणा का मान लेंगे उसको? क्या हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आज जैसे हो रही है इसमें चर्चा होगी? ये तो अभी देखिए देखने का विषय है। रेजोल्यूशन लाया गया था, हरियाणा सरकार की पंजाब सरकार को अब जवाब देने की तैयारी सामने आ रखी है। 5 अप्रैल को बुलाया गया है हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र होगा और पंजाब सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब हरियाणा अब एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। पंजाब कई बार चंडीगढ़ पर अपना हक जताता रहा है, इससे पहले कई बार इस तरह के रेजोल्यूशन भी आए हैं, लेकिन अब सियासी घमासान इसको लेकर मचता नजर आ रहा है। एक बार फिर जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, पंजाब की तरह से रेजोल्यूशन लाया गया और ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह से पंजाब विधानसभा में रेजोल्यूशन चंडीगढ़ को लेकर लाया गया को, लेकिन अब ना केवल सत्ता पक्ष बल्कि हरियाणा में विपक्ष भी इसको लेकर लामबंद होता नजर आ रहा है पंजाब सरकार को लेकर। देखिए क्योंकि मसला हरियाणा का है, यहाँ पर हरियाणा की आपसी राजनीति को छोड़कर के कहीं ना कहीं हरियाणा के हक को लेकर के ये पूरा मसला है और इसीलिए तमाम जो विपक्षी नेता हैं यहाँ पर पंजाब को लेकर के, क्योंकि पंजाब में एक और अगर हम बात करें जहाँ कांग्रेस की तरफ से इस प्रस्ताव को लेकर के समर्थन किया गया है लेकिन हरियाणा कांग्रेस जो है वो इसको लेकर के पूरा विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा हों, कुमारी शैलजा की तरफ से भी आज इस मसले को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कह सकते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर की जाएगी, वे भी इस पर अपनी पूरी कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो देते हुए नजर आएंगी। तो सीधे तौर पर राजनीतिक तौर पर भी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने प्रदेश को देख करके जो बयानबाजी है वो करती नजर आ रही हैं और इसी को लेकर के चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो उसका पूरा गुस्सा जो है आम आदमी पार्टी के इस प्रस्ताव के बाद देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि सीधे तौर पर जिस प्रकार से अभी हम कुछ ही पल पहले जो है हमने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को भी सुना, उनका साफ तौर से यही कहना था कि अगर इस तरीके के प्रस्तावों से अगर चंडीगढ़ पर हक जमता है तो सीधे तौर पर ऐसे 10 प्रस्ताव जो है वो हरियाणा विधानसभा के अंदर भी लाए जा
जा सकते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की तरफ से जो है राजनीतिक तौर पर इस मसले को भुनाने की कोशिश जो है वो की गई है। पब्लिक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ ये मुद्दा नहीं है, इस प्रकार की प्रतिक्रिया भी कल देखने के लिए मिली। हमने ये भी देखा कि तमाम जो सांसद है वो सांसद भी इसी प्रकार की प्रतिक्रिया देते नजर आए थे, क्योंकि चाहे वो कैबिनेट मंत्री हों, सांसद हों, कल एक बड़ी बैठक जिस प्रकार से बीजेपी की हुई थी तो सभी जो नेता हैं सत्ता पक्ष के वो सीधे तौर पर इस फैसले को लेकर के कड़ा विरोध जताते हुए नजर आ रहे थे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उसी वक्त ये प्रतिक्रिया दी है कि इस प्रकार के फैसले को लेकर के, इस प्रकार के प्रस्ताव को लेकर के वो निंदा करते हैं और केजरीवाल सरकार से, यानी केजरीवाल से वो चाहते हैं, केजरीवाल की क्योंकि सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो वो जनता से इस मसले को लेकर के माफी मांगे। कई नेताओं के ये भी बयान आए कि केजरीवाल जो है हरियाणा से ही रहने वाले हैं और उनका इस प्रकार का, उनकी सरकार का इस प्रकार का कदम जो है वो ठीक नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि इसको लेकर के राजनीतिक घमासान जो है वो अब तेजी पर है और हरियाणा विधानसभा का जो ये सत्र है इस पर सीधे तौर पर नजरें बनी रहेंगी, जिसमें निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा और साथ ही साथ कैबिनेट की औपचारिक बैठक भी 5 तारीख को होने जा रही है, जिस बैठक के अंदर भी इस मसले को लेकर के किस प्रकार के फैसले किए जाते हैं ये देखना होगा। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है अब पंजाब सरकार के विधानसभा में इस प्रस्ताव को लाए जाने के बाद लगातार बना हुआ है, जिसे लेकर के अब केंद्र के नेताओं से मुलाकात का सिलसिला भी आने वाले दिनों के अंदर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि विषय केवल चंडीगढ़ पर अपने अधिकार का नहीं है, हरियाणा के लिए विषय SYL का पानी भी लाना है और SYL को लेकर के भी बयानबाजी अब तेज होती नजर आ रही है। अब ये देखना है कि किस प्रकार से चंडीगढ़ पर अपने अधिकार, विधानसभा पर अपने अधिकार और SYL को हरियाणा में लाने के को लेकर के अब जो केंद्र के साथ मुलाकातों का दौर है वो शुरू होता है। जी आप हमारे साथ बने रहिए जितेंद्र। इसी बीच दर्शकों को हम बता रखे थे एक बड़ी और अहम खबर, और ये अहम खबर हम दर्शकों को बताएंगे जितेंद्र जी, बहुत बड़ी खबर है, आपको मैं यहां रोक रखी हूं। बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रखे हैं, पंजाब की तरफ से लाए गए प्रस्ताव पर हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे 10 प्रस्ताव हम ला सकते हैं, पंजाब सरकार केवल जनता को भ्रमित कर रखी है। खबरें अभी तक पर विधानसभा स्पीकर की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया था। ये इन्होंने तो आज प्रस्ताव पेश किया है, हमने तो 1 साल पहले प्रस्ताव किया था कि जो हमारा हिस्सा है 27% से अलावा 13% वो हमें हरियाणा को वापस मिलना चाहिए। और ये जो एक प्रस्ताव पास करने से चंडीगढ़ अगर पंजाब का हो जाए तो हम 10 प्रस्ताव पास कर देंगे तो फिर चंडीगढ़ हरियाणा का हो जाएगा क्या? तो ये इस प्रकार के प्रस्ताव तो केवल लोगों को भ्रमित करने का, लोगों को मूर्ख बनाने का एक प्रयास है। जितेंद्र देखिए, लगातार सियासी घमासान इस एक मुद्दे को लेकर अब बढ़ता जा रहा है, ना केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष की तरफ से भी इसी तरह के बयान आ रखे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा हम ऐसे 10 प्रस्ताव ले आएंगे क्योंकि चंडीगढ़ पर हक जमाता एक बार फिर पंजाब नजर आ रहा है, रेजोल्यूशन पास किया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का पूरा हक है, यहां तक कि कांग्रेस भी एक बैठक कर रखी है जिसमें इस मुद्दे को लेकर चर्चा होनी है। इस लिहाज से ये माने कि पूरी तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष लामबंद हो गया है जो कुछ हुआ है पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर, उसको लेकर। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें जब भी चंडीगढ़ के विषय को लेकर के, चंडीगढ़ या SYL के विषय को लेकर के मुद्दा सामने आता है तो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो तमाम नेता जो हैं वो एक सुर में बोलते हुए नजर आते हैं। इससे पहले हमने देखा कि इसी प्रकार के मसलों पर सर्वदलीय बैठक भी हुई है और सर्वदलीय बैठक के साथ साथ राष्ट्रपति से मिलने को लेकर के भी कार्यक्रम जो है वो रखे गए थे। तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि इस मसले पर भी जहां एक और कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, कुमारी शैलजा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया और प्रेस नोट के माध्यम से लगातार पंजाब सरकार के इस फैसले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जो है विपक्ष के नेता लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं सत्ता पक्ष भी इस मसले को लेकर के जिस प्रकार से कल भाजपा की एक बड़ी मैराथन बैठकें हुई उसमें भी चर्चा का एक विषय जो है निकाय चुनाव के अलावा ये भी एक विषय रहा कि जिस प्रकार से पंजाब सरकार ने ये कदम उठाया है उसका, उसकी किस प्रकार से निंदा करनी है, उसका किस प्रकार से जवाब देना है। और कहीं ना कहीं उसी के चलते इस प्रकार के फैसले देखने के लिए मिल रहे हैं। और सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि अब जब निंदा प्रस्ताव सामने लाया जाएगा, जब कैबिनेट की बैठक में इन विषयों को लेकर के चर्चा की जाएगी तो पंजाब और हरियाणा जो है इस मसले को लेकर के एक दूसरे के आमने सामने खड़े नजर आएंगे और केंद्र की को, केंद्र तक भी तमाम नेताओं की मुलाकातें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि भगवंत मान ने भी
जब ये प्रस्ताव पंजाब विधानसभा के अंदर लाया गया था तो भगवंत मान की तरफ से भी ये कहा गया था कि वे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से इस मसले को लेकर के मुलाकात करेंगे, इस प्रस्ताव को लेकर के मुलाकात करेंगे। तो इस निंदा प्रस्ताव को लेकर के हरियाणा के नेता भी इस सिलसिले में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। केंद्र के बड़े नेताओं से मुलाकात करें, केंद्र मंत्रियों से मुलाकात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी जितेंद्र आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।